नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप देख रहे हैं मुझे यानी कि अंकिता सिंह को। फिलहाल हिसार के क्षेत्रीय चारा केंद्र के अंदर मैं मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक पौधे के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्लांट का नाम है मोरिंगा, जो अपनी औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसी के बारे में जानकारी देने के लिए व उन स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने एकेडमीज में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए फिलहाल यह वन विभाग की तरफ से रणबीर गंगवा जी को, मेयर गौतम सरदाना जी को और डॉक्टर खन्ना को बुलाया गया है यहाँ पर उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए। तो चलिए उनसे भी आपको मिलवा देती हूँ और पूछवाती हूँ कि आखिरकार इस उपलक्ष्य पर उनका क्या कहना है। और फिलहाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेयर गौतम सरदाना जी। सर, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। सिटी बिग न्यूज का भी मैं धन्यवाद करता हूं जी। सर, क्वारंटाइन में इतना लंबा टाइम अंदर रह के आने के बाद बाहर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये 28 दिन वैसे तो मैंने मेरी मर्जी से चुने थे जी, क्योंकि रिपोर्ट में आपने देखा था उस समय। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि मैंने वैसे मीडिया के माध्यम से रोज मेरा लेख भी आता था, तो बहुत कुछ मैंने सीखा जी। और आप देख भी रहे हैं कि कम मैंने वेट भी अपना लूज किया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला, हालांकि मुझे कोरोना के कोई भी मुझे कोई सिम्टम नहीं थे जी जी, और बिल्कुल स्वस्थ रहा मैं। और 10 दिन का जो अकेले रहने का पीरियड है, वही मैंने बच्चे अच्छे से जनता के साथ रूबरू होके भी निभाया। बिल्कुल। तो कोरोना से डरना नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल। इससे बल्कि जो कोरोना पेशेंट है, जो आप देखते हैं कि किसी गली में कोई ऐसे आ गया, तो उसके और उसके परिवार से नफरत करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और पीछे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए सोशल डिस्टेंस बनाकर, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके करना चाहिए जी। सर, आज यहाँ पर बच्चों के साथ उनका प्रोत्साहन, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए पहुँचे हैं, पौधा रोपण आपने किया है, तो किस तरीके से इसको लेते हैं, कितना जो है इन बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है? कल ही मेरी जगबीर जी हैं शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जी, उनसे फ़ोन पर बात हुई। जी, आप ये प्रैक्टिकल में पौधा रोपण का नंबर ही रख दो। बिल्कुल। कि पूरे हरियाणा के बच्चे जो हैं पौधे लगाएं और अपनी अपनी सेल्फी जो उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल। उसमें साथ लगाएं। बिल्कुल। तो उसके आप दो नंबर भी दे दोगे तो पौधे ही पौधे बच्चे देखभाल करने लग जाएंगे, और जिस चीज़ में युवा और बच्चे जुड़ जाते हैं तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। और यही आज आप यहाँ भी देख रहे हैं कि आज जो है तो ज़िले में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन विद्यार्थियों ने पौधे लगाए हैं जी। तो इनको देखते हुए सभी छात्राओं से मैं अपील भी करूंगा आपके माध्यम से जी, कि सभी को पौधे लगाने चाहिए। ऑक्सीजन जो है हमें इन्हीं से ही मिलनी है, और जहां भी आप देखते हैं यहां कितना आप ग्रीन देख रहे हैं जी, तो वैसे भी अच्छा लगता है ग्रीन एरिया जी। बिल्कुल। और ग्रीन हिसार क्लीन हिसार हम जब तक नहीं करेंगे, बिल्कुल, जब तक सर ग्रीन हिसार क्लीन हिसार की आप बात कर रहे हैं, तो कुछ दिनों से हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें शहर के अलग अलग कोनों में जाकर के दिखाते हैं कि आखिरकार कितनी स्वच्छता हमारे शहर के अंदर फिलहाल है। तो बात कीजिए आप चाहे महावीर कॉलोनी की कीजिए, चाहे या बस स्टैंड परिसर के अंदर तक भी जो है गंदगी के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी काम वहाँ पर सफाई का हो नहीं रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महावीर कॉलोनी का पीछे वाले एरिया की बात कर रहे हैं आप ज़्यादा, क्योंकि अवैध कॉलोनियाँ लोगों ने काटी जी, सस्ते प्लाटों के चक्कर में लोगों प्लाट भी लेते। हमने तो अमृत योजना के तहत सीवर और पानी का वहाँ काम भी चल रहा है। इतने सालों से वहाँ गंदगी थी, अब वो हल होने पे है। और पानी, सीवर और सड़क, जब तक पानी नहीं डलेगा, सीवर नहीं डलेगा, सड़क नहीं बनेगी जी। अब पानी और सीवर के काम कंप्लीट होने को हैं जी, और जल्द ही वहाँ आप सड़कें भी देखोगे। चलिए, वो तो अवैध कॉलोनियों का सर मामला बता रहे हैं, बस स्टैंड को लेकर क्या कहेंगे? बस स्टैंड दरअसल जो आप मैं नॉलेज में नहीं, जो आपने न्यूज़ दिखाई हो, लेकिन ये बस स्टैंड एक अलग अथॉरिटी है, उनको ये सफाई का कार्य जरूर करना चाहिए। और इसके लिए मैं उन्हें दोबारा मैं भी औचक निरीक्षण कर लूँगा उनका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। डॉक्टर उमेद खन्ना जी भी मेरे साथ बन गए हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, पौधारोपण भी फिलहाल बच्चे कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए किस तरीके से लेते हैं, कितना उनको फायदा होने वाला है? ये तो एक ऐसी सोच है जो बरसों पहले
शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन आज पर्यावरण को देखते हुए इन बच्चों में जो जागृति का काम किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और ये जो आज का पौधारोपण जो कर रहे हैं, इसका अतीत में जाकर के पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी सख्त जरूरत भी थी। और ये मानव जीवन के लिए बहुत सराहनीय कदम है और सराहनीय काम है। धन्यवाद सर। आया इधर से हूँ, आया चंडीगढ़ से। मतलब आपका बोर्ड देखा ना, जब मैंने कहा कि मेरे साथ फिर मुझे थोड़ी देर पर वेटिंग करनी थी। दे दो जी, मेरे साथ हमारे ताजा ताजा भी क्वारंटाइन से बाहर आए हैं। नहीं, लेकिन उसके पहले ये प्लांटेशन कर गए थे। ये कैमरा थोड़ा पीछे करना जी, आप बीच में आगे हट रहे हो। थोड़ा सोना सर, थोड़ा देख लो। अच्छा, थोड़ा सा पीछे आप। हाँ जी, एक मिनट, आप थोड़ा साइड हो। रणबीर गंगवा जी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बन गए हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे जी। धन्यवाद सर। पौधारोपण के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले तो इनके लिए एक मैसेज आपसे सुनना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा हमारे यहाँ के जो चीफ कंजर्वेटर हैं शुक्ला जी, और हमारे जो सिंह साहब जो इसके एनिमल डेयरिंग फार्मिंग और मत्स्य विभाग के यहाँ के हेड है, इन्होंने मिलकर के यहाँ पे आज जो पौधारोपण का प्रोग्राम किया है, उसे जो पेड़ जो है हमारा जीवन है, पेड़ के बगैर जीवन संभव नहीं है, इसलिए आज यहाँ जहाँ पौधारोपण करने का काम किया है, वहीं जो बच्चे जो अपनी क्लास के अंदर, दसवीं क्लास के अंदर, प्लस टू के अंदर जो टॉप में आए हैं, उनको भी उनके हाथ से पौधारोपण भी करवाया गया है, उनको तुलसी देकर के सम्मानित भी किया गया है। तो उन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके भविष्य की कामना करता हूँ, और इन किस तरीके से बच्चों को सम्मानित करने से दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी हमारे जो जीवन के अंदर हमारी ड्यूटी है कि हमें पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी भी उनको जो है एक प्रेरणा जो है मिलती है। इसी उद्देश्य से इन बच्चों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है, और यहाँ पे आज जहाँ हमने त्रिवेणी लगाई है, वहीं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से यहाँ 600 मोरिंगा यानी जो सुहांजना जो पेड़ है उसको लगाया जा रहा है। सुहांजना एक ऐसा पेड़ है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए, लोगों को बारे इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे खासकर जो उत्तर भारत के अंदर इसका इतना प्रचार नहीं, साउथ के अंदर है, लेकिन यहाँ जो इसकी हर चीज़ काम आती है, इसके अंदर पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, और जो दूसरी जो डिजीज है उसको भगाने के लिए, जितनी जो वायरस है उनको दूर करने के लिए भी इसके अंदर जो है तमाम जो गुण है उसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जब इसके फूल आते हैं तो फूलों की भी सब्जी बनती है, जो फलियों की सब्जी बनती है, फलियों का अचार भी डलता है, और इसकी जो छाल उतार करके जिसके, क्योंकि इसके जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, उसको भी पिया जाता है, उससे जो है इसकी अनेक तरह की बीमारियां जो दूर होती है। और आज जो यहाँ जो सुहांजना का जो पेड़ लगाए गए हैं 600, एक नई वैरायटी का, क्योंकि जो एक तो जंगली पेड़ होते हैं उसके अंदर और सुधार करके नई नस्ल तैयार करके यहाँ लगाई गई है। इससे अगर ज्यादा से ज्यादा इसको अगर किसान अपने खेत के अंदर भी बोता है तो उसको काट करके भी फिर उसका जो है जो फलियाँ आती है उससे भी अपना एक अच्छी, जिस तरीके से इन्होंने एक जो डेमो बनाया हुआ था उसके अंदर तमाम चीजें लिखी हुई थी, और
किसानों के लिए कि 63,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसके अंदर कमाई की जा सकती है, यानी एक अच्छी कमाई का साधन भी और एक मेडिकेटेड पेड़ जो है ये वो होता है, तो एक जीवन के अंदर भी बहुत से काम आते हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। मैं तमाम किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा और आम लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे हिसार का सौभाग्य है कि हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग फार्म भी है केंद्र का यहाँ है, यहीं फॉरेस्ट का भी है, यहाँ आकर के जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से बीज लेकर के अच्छे पौधे अपने खेतों के अंदर भी लगाए जा सकते हैं। सुनील जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, सर स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद मैम। सर जानना चाहूंगी सबसे पहले कि पूरा कार्यक्रम क्या है और किस तरीके से प्लान किया गया है। मैम सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का सहयोग शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पे आए। ये कार्यक्रम हमने किया है दो मकसद से, एक तो जो हमारे हिसार शहर के बच्चे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के नाम पे पूरे हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है, उन बच्चों को एक नए तरीके से सम्मानित करना, उन बच्चों को पौधा रोपण करवा के और उनके नाम एक पौधा दे के कि तुलसी का पौधा दिया और एक हमने नीम पीपल बरगद जामुन का पेड़ है उनसे लगवाया ताकि बच्चों का पौधे से अटैचमेंट हो सके। क्यों? क्योंकि जैसे एक सैपलिंग बड़ा होता है वैसे ही बच्चे भी बड़े होते हैं, तो इससे जो हमारे भावी पीढ़ियां हैं जो 8th के बच्चे हैं 6th के बच्चे हैं वो भी पौधारोपण की ओर टिल्ट होंगे, क्योंकि हमारा हिसार शहर है उसका वन क्षेत्र है वो केवल 2% है जबकि नेशनल एवरेज के हिसाब से इसका 33% और हरियाणा के एवरेज के हिसाब से 20% होना जरूरी है जी। तो अगर इस तरह से हम समाज के कई वर्गों को जैसे कि बच्चों को एनजीओ को सेल्फ हेल्प ग्रुप को वुमेन को पौधारोपण में आगे लाएंगे तो ये हिसार को हरा भरा करने में एक अमूल्य योगदान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के। दूसरा हमारा एक सुहाजना जिसको मोरिंगा कहते हैं उसका हमने लगभग 600 प्लांट यहाँ लगाए हैं जी। मोरिंगा की सबसे इम्पोर्टेंट है इसको मिरेकल प्लांट कहते हैं। इस प्लांट से न केवल हमारे को विटामिन बी विटामिन सी विटामिन ए फेरस मैग्नीज प्रोटीन मिलते हैं बल्कि ये कई टाइप की बीमारियों को दूर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां नर्वस सिस्टम की बीमारियां स्किन की बीमारियां इनको दूर करता है। साथ साथ में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का डबलिंग फार्मर इनकम का है जी। तो क्रॉप के साथ में अगर मेडिसिनल प्लांट को भी हम ग्रो करेंगे तो न केवल हमारे फार्मर की इनकम ज्यादा होगी बल्कि जो हमारे भावी पीढ़ियां हैं जो दिन प्रतिदिन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं उसमें भी हम एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन दे सकते हैं जी। तो सर जो प्लांट के बारे में आप बता रहे हैं उसके बारे में जागरूकता हमारे इस इलाके में है नहीं, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आगे क्या क्या कदम आप लोग उठा सकते हैं? सबसे पहले जागरूकता फैलाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है आप लोग जी। कि आपने इस कार्यक्रम को कवरेज किया है जी। और अगर इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू आप लोगों तक तो बताएंगे तो लोग है वो प्लांट हमसे ले जाएंगे। इसके अलावा हमारा ये रहेगा भविष्य में कि कभी भी जो भी माननीय MLA MP जनप्रतिनिधि NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप है या हमारे जज महोदय हैं या सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं उनसे इस प्लांट का पौधारोपण करा के विभिन्न माध्यमों से न केवल विजुअल ऑडियो ऑल इंडिया रेडियो और जो हमारे समाचार पत्रों जनरलों के माध्यम से इसकी अच्छाई है वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है ताकि इसका बेनिफिट हमारी आने वाली पीढ़ियां ले सके जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू जी। कौन से स्कूल हो? चलो ठीक है बेटा, ये घर में रख के रहे वो इसको पानी पुनी डाल के ठीक है बेटा। तो ये था यहाँ का पूरा कार्यक्रम, आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आते रहूंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।